प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, साथियों और वालदैन, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, अपना वक्त देते हैं। आइए हम अपने आज के लिए खुदा के कलाम में से देखें मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। जी, ये हवाला जो है ये पहाड़ी वाद में से लिया गया है, और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, शागिर्दों को पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। नूर रोशनी को जुदा करता है, रोशनी को खत्म करता है, छुपी हुई चीजों को जाहिर करता है, इंसान को नुकसान से बचाता है। नूर रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है और मंजिल की तरफ लेकर जाने में मदद करता है। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और चिराग जलाकर पैमाना से नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। जब एक चिराग रोशन किया जाता है तो उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि दूसरों का फायदा हो, ये ना हो कि वो चिराग भी छुप जाए और उससे किसी को फायदा भी ना हो। अगर तुम मेरे हो तो जाहिर करो कि मैं तुम्हारा हूं और तुमने मुझसे जो तालीम पाई है और उसका असर लोगों को दिखाओ। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारे काम लोगों को नजर आए, तुम में मोहब्बत नजर आए, तुम में दूसरों के साथ हमदर्दी नजर आए, ताकि लोग जाने तुम मेरे शागिर्द हो। और फिर लिखा है, ताकि वो तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। रोशनी हमारे घर में चमके, मोहल्ले में चमके, कलीसिया में चमके, स्कूल में चमके, जहां भी हो लोग देखें कि तुम दूसरों से फर्क हो, तुम्हारी जिंदगी दूसरों को दुख देने की बजाय खुशी देने वाली हो, बर्दाश्त नजर आनी चाहिए, खिदमत लेने वाले ना बनो बल्कि खिदमत करने वाले बनो, ताकि क्या हो, तुम्हारे बाप की तारीफ, तुम्हारे बाप को लोग कहें कि हाँ वही जिंदा खुदा है, ये उसके पैरोकार है, उसकी मोहब्बत तुम में नजर आए और लोग जुबान से कहे हुए बात का ज्यादा असर नहीं लेते बल्कि करदार को देखते हैं कि जिंदगी में करदार कैसा है। इसलिए कहा गया है, तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का काम है कि वो रोशनी
फैलाए, लोगों को नुकसान से बचाए, लोगों को रास्ता दिखाए, मंदिर तक पहुंचने में मदद करे, क्या आप कर रहे हो? और अगर आप मंदिर की तरफ जा रहे हो तो दूसरों को भी साथ लेकर चलो, इनकरेज करो ताकि वो भी मंदिर तक पहुंच सकें। और इंसान की मंजिल ये है कि वो आसमानी बाप तक उसकी रसाई हो। और अगर आप निजात याफ्ता हैं और दूसरों की मदद नहीं कर रहे तो सोचना है कि मेरी जिंदगी खुदा के किस काम की है। सोचें और फैसला करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता फरमाए, और वो अभी भी यही चाहता है कि आप अपने कामों को परखो, अपने चिराग रोशन रखो, यानी अपनी जिंदगी से खिदमत गुजारी का काम करते रहो, तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम दुनिया के लिए तकलीफ का बायस नहीं बल्कि खुशी और खुर्मी का बायस। तुम्हारी जिंदगी से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि तसल्ली और सुकून नजर आए। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और बड़ी बरकत अता फरमाए। आप उसके कलाम में तरक्की करते जाएं, आपका खानदान भी मसीह के में तरक्की करता जाए, आप उसकी कलीसिया के लिए बरकत का बायस हों। थैंक यू वेरी मच।